विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के एक अभिन्न अंग सीमा सड़क संगठन के साथ भारत के उत्तर पूर्वी मनोरम राज्य सिक्किम में हमारी यात्रा जारी है। सिक्किम में फैली पूर्वी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के साथ यह राज्य वनस्पति और जीवों की एक विस्तृत विविधता से परिपूर्ण है। सिक्किम का लगभग 35% भाग जंगलों से भरा है और इस राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। इस बेहद खास एपिसोड में हम बीआरओ के साथ भारी बर्फ के बीच घने जंगलों में 11,000 फुट की ऊंचाई पर बने भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर ब्रिज के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पुलों के निर्माण में एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक गेम चेंजर ब्रिज है। इस समय हम सिक्किम में हैं। आप मेरे पीछे ये लेक देख सकते हैं। हम आगे नाथुला दर्रे की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है और इसकी ऊंचाई 10,000 से 14,000 फुट है। इस एपिसोड में हम रोड और ब्रिज देखेंगे और आप जानेंगे कि रोड और ब्रिज हमारे सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जीवन रेखा है। सिक्किम भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, लेकिन भारत के लिए इसका महत्व राजनीतिक और रणनीतिक हिसाब से काफी अहम है, क्योंकि इसके साथ उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। प्रोजेक्ट स्वास्तिक, सिक्किम में चल रहे स्वास्तिक प्रोजेक्ट के तहत 14 फरवरी 2021 को फ्लैग हिल डोगला में एक पुल का निर्माण किया गया है जो मॉड्यूलर टाइप का है। यह देश का पहला डबल लेन ब्रिज है जहां हम उपकरण की तरह के ब्रिज पर दोनों तरफ से ट्रैफिक संचालित कर सकते हैं। तो यह इस दिशा में एक नई शुरुआत है जहां बीआरओ ने दो लेन के मॉडल पुल बनाना शुरू कर दिया है और इन पुलों को ऊपर उठाया जा सकता है और कहीं और बनाया जा सकता है। साथ ही एक पैलेट वाली सड़क से आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद हमारी यात्रा तीस्ता नदी घाटी की ओर अनवरत जारी रहती है जहां हम देखते हैं कि कैसे बीआरओ ने सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए रीइंफोर्स्ड अर्थ वर्क्स का उपयोग करके 30 मीटर से अधिक की खड़ी चढ़ाई वाली सड़कों का निर्माण किया है। इसके बाद हम जाते हैं उस स्थान पर जहां सड़क के एक हिस्से पर बीआरओ तीस्ता नदी के करीब पुलों की एक श्रृंखला बना रहा है ताकि मुंशी थांग और सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जाने वाली वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया जा सके। इनमें से कई पहल भारतमाला परियोजना का हिस्सा भी हैं, जहां प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक योजना के उपयोग पर जोर देने के साथ साथ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सिक्किम में सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव में सीमा सड़क संगठन के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए हमें यहाँ के भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्वरूप को समझने की जरूरत है। सिक्किम एक बेसिन है। ये तीन तरफ से खड़े और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। थोड़ी तराई भी है और ऊंचाई में भिन्नता काफी ज्यादा है। लगभग 80 किलोमीटर के फासले में ही भूमि लगभग 750 फुट यानी 225 मीटर की ऊंचाई से तीस्ता नदी घाटी में लगभग 28,200 फुट या भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा में 8,600 मीटर तक बढ़ जाती है। सिंगालीला रेंज पश्चिम में सिक्किम को नेपाल से अलग करती है, जबकि डोंक्या रेंज पूर्व में चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम में मोटे तौर पर 5 वनस्पति क्षेत्र हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक समान है। 2000 मीटर से नीचे की ऊंचाई में उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें देवदार और पर्णपाती वन हैं। 2000 और 3000 मीटर के बीच समशीतोष्ण क्षेत्र हैं, जिनमें ओक और रोडेंड्रॉन के जंगल हैं।
3000 से 4000 मीटर परिदृश्य नाटकीय रूप से बदलना शुरू हो जाता है। सिक्किम के शंकुधारी वन, ईस्ट हिमालयन फर, सिक्किम लर्च और स्प्रूस जैसे खूबसूरत पेड़ों की सुंदरता से आकर्षित करते हैं। 4000 से 5000 मीटर तक पेड़ों की सीमा समाप्त हो जाती है और झाड़ियों तथा घास के मैदान वाला अल्पाइन क्षेत्र शुरू होता है। 5000 मीटर से आगे हिमरेखा है जहां किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती और पहाड़ साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। बदलती वनस्पति और परिदृश्य पेड़ों के एक छोर के बाद बर्फ में बदलने शुरू हो जाते हैं। हमने अपनी यात्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से जवाहरलाल नेहरू रोड के सीमावर्ती इलाकों की ओर शुरू की थी। हमने 5410 फीट से 10000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की, यानी सिर्फ 15 किलोमीटर में पूरा परिदृश्य बदल गया। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि बीआरओ ने इस सामरिक सड़क को प्रौद्योगिकी, मशीनरी और बेहतरीन सामग्री की मदद से दुनिया के बेहतरीन पर्वतीय राजमार्गों में से एक बना दिया है। 2 घंटे से भी कम समय में हम ग्लेशियर से बनी सोमगो झील पर पहुंच गए, जिसका अर्थ है पानी का स्रोत। इसे चांगू झील भी कहा जाता है। ये सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली झील जमी हुई है और बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण घाटी है जो भारत तिब्बत सीमा पर 14,100 फीट पर नाथुला दर्रे की ओर जाती है। जैसे जैसे हम चढ़ते गए, मौसम ठंडा और जमा देने वाला होता गया। रोशनी जाने लगी और बर्फ और घना कोहरा छाने लगा। दृश्यता कम हो गई और सड़क पर चलना खतरनाक हो गया, लेकिन भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन के जवान ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना रोज करते हैं। ऐसे में बीआरओ के प्रोजेक्ट स्वास्तिक के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर एसपी सिंह से मिलने और साक्षात्कार करने के लिए ये एकदम सही स्थान था। हमें समझना था कि इन परिस्थितियों में जवान कैसे काम करते हैं और ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है। अगर हम मौसम और काम करने के हालातों के बारे में बात करें तो इन हालातों से ज्यादा खराब और कौन सी स्थिति हो सकती है? हम सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हैं और मेरे साथ ब्रिगेडियर एसपी सिंह हैं, जो स्वास्तिक परियोजना के मुख्य अभियंता हैं। ब्रिगेडियर, हमारे चारों ओर बहुत अधिक बर्फ जमी हुई है, लेकिन ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें आपकी सेनाएं काम करती हैं। फिर चाहे वो जवान हो या अधिकारी, हमें अपने जिम्मेदारियों और उन परिस्थितियों के बारे में बताइए जिनके तहत आप काम करते हैं। जहां तक मेरे काम के दायरे का सवाल है, प्रोजेक्ट स्वास्तिक मूल रूप से सड़क निर्माण के बारे में है। खास तौर पर हम पूर्वी और उत्तरी सिक्किम में सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। हम सड़कों का अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है कि वे सभी सड़कें जो भारत चीन सीमा तक जा रही हैं, वे डबल लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग की विशेषताओं वाली होनी चाहिए। इसलिए शून्य से लेकर JNM तक पहुँचने वाली अधिकांश सड़कें भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर सिक्किम की ओर जाने वाली सड़कों तक पहुंचती हैं। उन सभी को राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन की विशेषताओं के अनुरूप अपग्रेड किया जा रहा है। आपने इस क्षेत्र को देखा है जिस पर हम अभी यात्रा कर रहे हैं। यह सड़क सीमा क्षेत्र की ओर भी जाती है और अगर आपने देखा हो तो आप जानेंगे कि मौसम वास्तव में बेहद खराब है और मुझे बधाई देनी चाहिए। मुझे अपने ग्रुप और अधिकारियों पर गर्व है कि मेरे साथी ऐसी परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं। ये सड़कों का रखरखाव और निर्माण कर रहे हैं। जब आप इस सड़क से जाएंगे तो देखेंगे बर्फबारी में भी चाहे दिन हो या रात, निर्माण की गतिविधि रुकती नहीं है। मुझे अपने जवानों और अपने अधिकारियों पर इतना गर्व है कि वे न केवल सिक्किम राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के विकास के लिए इस तरह के अद्भुत काम कर रहे हैं। That they are doing such marvelous work, not only for the state of Sikkim, but for the development of this entire country, this entire nation. So you know, we are so. हमें सीमा सड़क संगठन पर बहुत गर्व है। उन्होंने हमें समय दिया, हमें अपना इस स्तर पर काम दिखाया है और कई मायनों में इनका काम अद्वितीय है। एक राष्ट्र के रूप में हम इनके बहुत आभारी हैं। आप जानते हैं कि हमारे शो का नाम विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत है। और अब मेरा ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है।
आप सर्दी की धुंध देख सकते हैं और हमें अब गर्म जगह पर जाने की जरूरत है। कृपया मुझे बताएं कि कैसे बीआरओ भारत को आत्मनिर्भर और ढांचागत रूप से मजबूत बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा ले रहा है। You see, science and technology is concerned. Yes, हम देखते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्व का विषय है। यह सड़क निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जहाँ तक ब्रिजिंग का सवाल है, जीआरएसी ने सीमा सड़क के परामर्श से एक स्वदेशी डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज विकसित किया है, जो हमारी लॉन्गेस्ट पैन ब्रिज पर निर्भरता को कम करने जा रहा है। जहाँ तक महत्व की बात है, ये पुलों के निर्माण के समय को कम कर देगा। हम मिट्टी के स्थिरीकरण पर काम कर रहे हैं। हम सड़कों को उच्च विशेषताओं वाली बनाने जा रहे हैं। उच्च विशेषताओं से मेरा मतलब है कि इस पर भारी वाहन चल सकेंगे और ये ज्यादा समय तक टिकेगी। सड़कों की ढलान स्थिर की जा रही है। बहुत से ट्रिपल स्पॉट हैं जिन्हें हमने पहचान लिया है और इनके लिए हम सबसे अच्छी और नवीनतम तकनीक का उपयोग करेंगे। हम मूल रूप से हिमस्खलन से बचाने के लिए ढलानों को वनस्पति युक्त बनाएंगे। ऐसा हम सिक्किम के इस राज्य में धसने वाले प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सड़कों को सुरक्षित रखने के लिए इसके उन्नत रूप का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रखरखाव भी कम हो जाता है और हमारी सड़कें मॉनसून और बर्फबारी के दौरान भी खुली रहती हैं। The roads are open throughout, even during the monsoons and during the snowfall. बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर। और जैसा कि मैंने कहा है कि हम आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों पर गर्व महसूस करेंगे और आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मौसम बहुत खराब था। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटी कच्ची सड़कों से गए। ये खंड अब भी बनाया जा रहा है। खड़ी ढाल वाले रोड और भारी बर्फबारी ने यात्रा को अविस्मरणीय और मजेदार बना दिया है। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। फ्लैग हिल डोकलाम पर भव्य मॉड्यूलर ब्रिज खड़ा था। बीआरओ की एक बड़ी उपलब्धि सिक्किम के डोकलाम सीमा क्षेत्र में 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक विशाल मॉड्यूलर ब्रिज का निर्माण है। ये देश के इस सुदूर सीमा क्षेत्र में बेहद बुनियादी ढांचे और सड़क संपर्क की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। तो एक प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर स्टील ब्रिज आखिर क्या होता है? प्री फैब्रिकेटेड का अर्थ है कि ब्रिज मॉड्यूल किसी संयंत्र में तैयार किए गए हैं और कम से कम इंजीनियरिंग और श्रमिकों द्वारा जल्दी से स्थापित करने के लिए तैयार क्षेत्र में पहुंचाए जा सकते हैं। एक तो लिमिटेड वर्किंग पीरियड है, 2 महीने के लिए हम लोगों को टारगेट दिया गया था, जो 1 महीने में हम लोग सब स्ट्रक्चर और 1 महीने में सुपर स्ट्रक्चर का काम हम लोगों ने कम्प्लीट किया। जो टारगेट दिया गया था उसको हम लोग 1 हफ्ता बिफोर में हम लोग करके दिया। और इसके पार्ट बड़े हैं सर, सिंगल लोड है और डबल लेन स्पेसिफिकेशन के ब्रिज हैं, इसके पार्ट शिफ्टिंग में बहुत समस्याएं आई थी। आम नागरिक पुलों के विपरीत एक सफल सैन्य पुल की मुख्य बात यह है कि इसे कम लोगों द्वारा कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसलिए एक प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर स्टील ब्रिज एक ऐसा पुल है जिसमें स्टील सुपरस्ट्रक्चर के इस्तेमाल से आवश्यक भार वहन क्षमता के लिए ट्रस के रूप में जानी जाने वाली धातु के त्रिकोण का उपयोग किया जाता है। ये देखते हुए कि एक त्रिभुज को प्रतिबल द्वारा विकृत नहीं किया जा सकता है, एक ट्रस इसे स्थिर रूप देता है, जो कि लंबे समय तक बाहरी भार को वहन करने में सक्षम होता है। इस तरह के पुल निर्माण में ट्रस काफी उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन वहन करने के लिए उनमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में कम सामग्री का उपयोग होता है। ट्रस ब्रिज के अलग अलग टुकड़े ट्रस जोड़ों या पैनल बिंदुओं पर मिलान करते हैं। ये जुड़े हुए टुकड़े ट्रस का ऊपरी और नीचे का हिस्सा बनाते हैं। इन्हें ऊपर और नीचे का कोर्ड कहा जाता है। कोर्ड को जोड़ने वाले ढलान और ऊर्ध्वाधर टुकड़ों को सामूहिक रूप से ट्रस के वेब के रूप में जाना जाता है। ट्रस ब्रिज के घटक भाग मुख्य रूप से अक्षीय तनाव या संपीड़न से तनाव पाते हैं। सिंगल स्पैन ट्रस ब्रिज एक साधारण सहारा दिए हुए बीम की ही तरह है, क्योंकि ये झुककर लंबवत भार वहन करते हैं। झुकने से क्षैतिज शीर्ष कोर्ड्स में संपीड़न होता है, जिससे नीचे की कोर्ड्स में तनाव पैदा होता है और उनके अभिविन्यास के आधार पर ऊर्ध्वाधर और विकर्ण घटकों में तनाव या संपीड़न पैदा होता है।
डोकलाम ब्रिज की उत्पत्ति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए मेक इन इंडिया के स्पष्ट आह्वान के व्यापक संदर्भ में हुई थी। 2018 में इस मॉड्यूलर ब्रिज को डिजाइन करने और इसका निर्माण शुरू करने के लिए बीआरओ और जीआरएसी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जीआरएसी भारत के सबसे बड़े रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो भारतीय सेना के लिए जटिल संरचना वाले नौसैनिक जहाज बनाता है। इसका एक बड़ा पुल निर्माण प्रभाग भी है। बीआरओ का मॉड्यूलर ब्रिज कई मायनों में बेहतरीन है। ये भारत में बनने वाला पहला स्वदेशी रूप से निर्मित मॉड्यूलर ब्रिज है। 70 टन वर्ग के आधिकारिक भार वर्गीकरण के साथ ये अपने प्रकार का पहला ब्रिज है, लेकिन वास्तव में इसकी वहन क्षमता 100 टन की है। बेली ब्रिज जैसे सिंगल लेन वाले अधिकांश उपकरण पुलों के विपरीत ये दोतरफा यातायात के लिए बना एक डबल लेन ब्रिज है। ये तो इंडिया का फर्स्ट ब्रिज है और जीआरएसी ने फर्स्ट ब्रिज बनाया है और ये डबल लेन स्पेसिफिकेशन का है सर। 70 आर है, इस पर हैवी इक्विपमेंट परमानेंट ब्रिज की जरूरत नहीं है। टैंक से लेकर के किसी प्रकार के हैवी मूवमेंट इसके ऊपर से जा सकते हैं। डोकलाम से हम राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के उत्कृष्ट नेटवर्क का उपयोग करके उत्तरी सिक्किम की ओर कालीखोला नामक क्षेत्र की ओर जाते हैं। ये मार्ग वास्तव में सिक्किम की जीवन रेखा है। ये लोगों को परिवहन, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और सैनिकों की तैनाती वाले सीमावर्ती क्षेत्रों तक आवाजाही की सुविधा देते हैं। सिक्किम के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे नदी घाटियों में बाढ़ और पहाड़ी ढलानों पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन की संभावना होती है, क्योंकि ये इलाके भूगर्भीय रूप से भंगुर और खड़ी ढलान वाले होते हैं। अप्रैल से सितंबर तक वार्षिक मानसून के दौरान सड़क के बुनियादी ढांचे पर भारी असर पड़ता है। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का मौसम खत्म होने के बाद अक्टूबर से मार्च के अंत तक सर्दियों का मौसम शुरू होता है और अपने साथ लाता है भारी हिमपात। पूरे साल हम सड़कों की कनेक्टिविटी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर हम डबल लेन बना रहे हैं, विशेष रूप से ऋषि जोकी 130 आरसीसी सड़क है, जो हमारे सशस्त्र बलों की इंडक्शन लाइन है। ये सड़क ऋषि, अलगार, दमदिंद और दलीब से जुड़ी हुई है, जो लगभग 180 किलोमीटर लंबी है। भारी बारिश के दौरान विशेषकर जल स्रोतों के आसपास की कई पहाड़ी साइड धंस जाती है या फिर ढह जाती है। मोस्ट प्लेसेस ऑफ दिस सिक्किम एरिया, सिक्किम क्षेत्र के अधिकांश स्थान धंसने वाले क्षेत्र हैं और मानसून के दौरान काफी मुश्किल हो जाती है। अधिकांश भूस्खलन वाले स्थानों के आसपास हमारे अधिकारी और जवान रहते हैं। वे साल सातों दिन 24 घंटे काम करते हैं और सड़क लगभग बिना किसी समस्या के पूरी तरह चालू रहती है। सिक्किम का यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां 2011 में एक पुल था, जिसका उपयोग संपर्क सड़क के रूप में नहीं किया जा सका, क्योंकि इस तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण नहीं किया जा सका था। पारंपरिक आरसीसी की दीवारें आमतौर पर सड़कों को सहारा देने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ऐसे अनिश्चित और कठिन इलाके में सड़क निर्माण की यह पद्धति गैर भरोसेमंद और महंगी मानी जाती थी। व्यापक शोध और विश्लेषण के बाद बीआरओ ने ऐसी ढलानों के लिए दीवार जैसी संरचना बनाने के लिए गैबियन बास्केट्स और स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों के उपयोग के साथ रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का निर्णय लिया, जो न केवल ढलानों के धंसने को रोकेगा बल्कि सड़कों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा। सबसे बड़ी चुनौती जिसका हम बुरी तरह से सामना करते हैं, इस सड़क की लगभग 30 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को केवल मानवीकृत सीमेंट से होने वाले कार्यों के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता है, और इसलिए यहाँ कुछ नवीन साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यहाँ हमने एक नवीन तकनीक का उपयोग किया है, जिसे रीइंफोर्स्ड अर्थवर्क कहा जाता है। इस नवाचार के बारे में सकारात्मक बात यह है कि यह पर्यावरण के अनुकूल है। इसके लिए सामग्री आसानी से उपलब्ध है, जो कि एक पत्थर और गैबियन वॉल्स है, इसलिए प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी मशीनरी को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं थी।
रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल्स को मुख्य रूप से दीवार के पीछे मिट्टी को जमाने के उद्देश्य से बनाया जाता है, लेकिन इसे एक कवर वॉल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। दीवार गैबियन बास्केट से बनाई गई है जो दीवार की ऊंचाई के आधार पर एक या अधिक लाइनों में खड़ी होती हैं। इन बास्केट्स का आकार पिंजरे की तरह होता है और ये चारों तरफ से बंद होते हैं। ये एक षटकोणीय स्टील की जाली से बने होते हैं और चट्टानों के टूटे हुए पत्थरों को इन बास्केट्स में रखा जाता है। उचित समय में गैबियन बास्केट्स को ढेर करके प्रतिरोधक संरचनाएं बनाई जाती हैं और ये मिट्टी को जमाने में कंक्रीट संरचनाओं का एक वैकल्पिक समाधान बन सकती हैं। बास्केट का एक दूसरे के ऊपर चट्टा लगाने के बाद ऊपरी गैबियन की लाइनों के वजन को संभालने के लिए इन्हें जस्तेदार तार से जोड़ा जाता है। निश्चित रूप से यह एक नवीन तकनीक है जिसमें बहुत सारे शोध किए गए हैं। मेरे वरिष्ठों द्वारा कई ठोस निर्णय कार्य करने से पहले किए गए थे, क्योंकि ये एक नई तकनीक थी जिसका परीक्षण किसी इलाके और परिदृश्य में पहले नहीं किया गया था, जिसे व्यापक बनाया गया है और अब तक हमने इसके लिए जो योजना बनाई गई थी उसे पूरा करने में हम सफल रहे हैं। इन रीइंफोर्स्ड वॉल्स को गैबियन बास्केट से कभी कभार निकलने वाले पत्थरों के उभार को कम करने के लिए पैरा कॉर्ड्स लगाकर एक और अभिनव तरीके से डिजाइन किया गया है। हम यहाँ जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वह गैबियन वॉल्स की है। ये श्रृंखला वाली बाड़ है जिसमें एक दूसरे की दीवारों के साथ जाली लगाकर और एक पैराकॉर्ड द्वारा सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। यह पैराकॉर्ड दो गैबियन वॉल्स को घर्षण बल द्वारा अपने स्वयं के वजन से जोड़े रखता है और ढहने से बचाता है। इसलिए यह अप्रोच रोड बारिश के मौसम में और मानसून में भी भारी मात्रा में यातायात का भार उठा सकती है। तो यह तकनीक सहायता करेगी और इससे इस समस्या का एक संपूर्ण समाधान होने की उम्मीद की जा रही है। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। गैबियन वॉल्स के साथ रीइंफोर्स्ड अर्थ वॉल्स तकनीक का उपयोग करने के कई फायदे हैं। चट्टान और मिट्टी जैसी सामग्री के यहाँ स्थानीय स्रोत हैं, जिससे इन्हें निकालने और परिवहन की लागत में काफी कमी आती है। और इस तकनीक का उपयोग करने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, गैबियन वॉल्स पारगम्य है और पानी के गुजरने से ये क्षतिग्रस्त नहीं होती है और समय के साथ इनकी दक्षता भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की लंबी उम्र होती है, इनमें स्थायित्व होता है, इसलिए स्थिरता की वजह से इनका उपयोग किया जाता है। ये सभी ढलानों की मिट्टी को स्थिर करने में मदद करते हैं। यहाँ से हम डिकचू संकलंग रोड की ओर बढ़े जो तीस्ता नदी के साथ साथ जाता है। ये उन चार पुलों में से पहला है जो इस महत्वपूर्ण खंड में सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यहाँ 85 मीटर का स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है। 70 टन की क्षमता का ये नया पुल 2 टन भार की क्षमता वाले पुराने पुल की जगह लेगा। पुल को सहारा देने के लिए घाटी की ओर से 37 मीटर के विशेष खम्भों का निर्माण किया गया है और इस तक पहुंचने के लिए भार वहन करने वाली ठोस 21 मीटर की दीवारों वाली एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये ब्रिज हम बना सकते हैं अक्टूबर से लेके मार्च के बीच। उसके बाद यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है जिसके चलते खोला खाई में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जैसे इस रोड पे चार ब्रिज बन रहे हैं, इसके आगे कोई भी ब्रिज तभी बन सकता है जब ये ब्रिज कम्प्लीट हो पाएगा। इस रोड पे चार ब्रिज बन रहे हैं और रिंगचू खोला, मानीचू खोला, ट्रैंक खोला और डेट खोला। तो अब उत्तरी सिक्किम में डिंगचू संकलंग रोड पर सीमा सड़क संगठन के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त होती है। व्यक्तिगत रूप से ये देखना एक आकर्षक अनुभव रहा है कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण को बेहतर बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन नए इंजीनियरिंग डिजाइन, तकनीक और सामग्री को अपना रहा है और वास्तव में पर्यावरणीय रूप से स्थानीय समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही बीआरओ भारत की आत्मनिर्भर पहलों को एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा है। डोकलाम में मॉड्यूलर ब्रिज भारतीय स्टील और डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना है। साथ ही ये हमारे देश की रक्षा में तेजी से तैनाती की सुविधा बढ़ाकर और इन हाउस क्षमताओं का निर्माण करने के कारण एक गेम चेंजर भी साबित हो रहा है। तो ये थी विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत की टीम के साथ आत्मनिर्भरता की एक यात्रा, केवल इंडिया साइंस पर।